नमस्कार, सूर्य समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और महिला कोच विवाद को लेकर। सबसे पहले आपको इस मामले से जुड़े अब तक के सभी अपडेट्स बताएंगे, फिर दिखाएंगे रविवार को संदीप सिंह से पूरे मामले में पहली बार पूछताछ हुई, फिर आपको संदीप सिंह के वकील दीपक सभरवाल से खास बातचीत भी सुनवाएंगे, आपको उन सभी धाराओं की जानकारी भी देंगे जो संदीप सिंह पर लगी है, साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना वो भी सुनाएंगे, आपको पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी के दौर से रूबरू करवाएंगे और अंत में आपको हरियाणा के अलग अलग जिलों से संदीप सिंह मामले को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है ये मंत्री इस्तीफा दें। किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो वो 6 महीने तक साइलेंट रहे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। हॉकी करियर में कई कीर्तिमान स्थापित करने वाले संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज की बात में सबसे पहले आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं संदीप सिंह विवाद में अब तक क्या कुछ हो चुका है, जांच कहां तक पहुंची है, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखें। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी। नेशनल एथलीट और हरियाणा में नियुक्त जूनियर कोच ने दिसंबर 2022 में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, नौकरी के दौरान ट्रांसफर कर परेशान करने का आरोप भी है। संदीप सिंह पर खेल विभाग की गोपनीय रिपोर्ट भेजने का आरोप भी है। महिला कोच ने आरोप लगाया कि संदीप सिंह ने उन्हें अपने सरकारी आवास में बुलाकर छेड़छाड़ की, तो वहीं मंत्री संदीप सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम, और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफी आवाज भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है उस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं, और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। संदीप सिंह विवाद में अब तक जूनियर महिला कोच से पूछताछ हो चुकी है, संदीप सिंह के आवास पर सीन रिक्रिएट किया गया, कोच की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच के फटे कपड़े जब्त किए हैं, कोच को विदेश जाने का ऑफर देने वाले की पहचान हो चुकी है। पूरे मामले में संदीप सिंह से भी पूछताछ हुई। कुल मिलाकर एक तरफ महिला कोच संदीप सिंह पर मानसिक तौर से परेशान करने का आरोप लगा रही है, तो संदीप सिंह बार बार यही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। खैर, इन आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने छेड़खानी के आरोप लगाए, हालांकि संदीप सिंह इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखी। महिला कोच से तो काफी पहले ही पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है, लेकिन रविवार को मंत्री संदीप सिंह से मामले में पहली बार पूछताछ हुई। राज की बात यह कि संदीप सिंह से करीब 200 सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान एसआईटी की टीम ने संदीप सिंह के 2 मोबाइल सीज भी किए। महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में एसआईटी की जांच तेजी से चल रही है।
रविवार को महिला कोच के आरोपों में घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 26 थाने में मंत्री संदीप सिंह से 7 घंटे लंबी पूछताछ की। पुलिस ने उनके 2 मोबाइल भी जब्त किए। इन दोनों फोन में मौजूद डेटा और डिलीट डेटा की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। केस दर्ज होने के बाद संदीप सिंह से पहली बार पूछताछ की गई। संदीप जी 11:30 बजे एसआईटी के आगे अपीयर हुए थे। तकरीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। वहाँ पे उनसे सवाल पूछे गए, उनका उन्होंने जवाब दिया और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो एसआईटी को सौंपी गई है। उनके 2 मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पे एसआईटी द्वारा रख लिए गए हैं। तो पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस? पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। 7 घंटे तक पूछताछ हुई है और आगे भी जब कभी एसआईटी बुलाएगी तो वो पूरा सहयोग करेंगे। और उनको पूरी है कि जो एसआईटी है ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करके और प्रॉपर जो है सच जनता के सामने आएगा। बैक तो वो अकेले ही वहां पे उनसे पूछताछ हुई है, इवन लॉयर की असिस्टेंस भी नहीं लेने दी गई। वकील दीपक सबरवाल ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में समय की भूमिका बेहद अहम है। इस मामले में आरोप बीते जुलाई महीने में घटित हुआ। बताया जा रहा है कि 6 महीने बाद दिसंबर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो वो 6 महीने तक साइलेंट रहेगा, क्योंकि वो ये नहीं है कि उन्होंने यही कंप्लेंट करी है। पहले भी उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स कर रखी है पुलिस स्टेशन में और रिजॉल्व भी हुई है। 100 नंबर पे पहले भी उन्होंने कईयों के खिलाफ फोन कॉल्स करी हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड पुलिस को दे दिया गया। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब आप कह रहे हो कि उनको ये नॉर्मली कुछ करते रहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो 6 महीने तक साइलेंट नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनल केस में डिले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना जी, उनके साथ हुई है कि नहीं हुई, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले किस तरह की शिकायतें दे चुकी है सर वो? काफी है जी, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट भी थी, कुछ और भी थी, वो काफी हमने सारी पुलिस को दी है जी, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट। एसआईटी महिला कोच से कई घंटों की पूछताछ पहले ही कर चुकी है। संदीप सिंह और उनके वकीलों ने एसआईटी को कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत भी सौंपे हैं जिनके आधार पर संदीप सिंह स्वयं को निर्दोष ठहरा सकते हैं। साथ ही इन दस्तावेजों के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला कोच के आरोपों को संदिग्ध ठहराने की कोशिश की गई है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो हरियाणा के इस हाई प्रोफाइल विवाद में अब चंडीगढ़ पुलिस की जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह से पूछताछ पूरी हो चुकी है। राज की बात यह कि अब चंडीगढ़ पुलिस दोनों के जवाबों को देखेगी, जिसके बाद संभावना यह कि चंडीगढ़ पुलिस इन दोनों से एक मरतबा फिर पूछताछ कर सकती है। संदीप सिंह के वकील दीपक सबरवाल से जब हमने खास बातचीत की तो उन्होंने इस केस से जुड़ी तमाम कानूनी पेचीदगियों को हमें समझाया और यह भी समझाया कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। सुने जरा। खेल खिलाड़ी और विवाद कोई नई बात नहीं, लेकिन जब सूबे के खेल मंत्री पर सवाल उठे तो फिर कई लोग इस पर अलग अलग तरह से उंगलियां उठाते हैं और मामला पॉलिटिकल भी हो जाता है। हमारे साथ संदीप सिंह के वकील इस वक्त मौजूद है, दीपक सबरवाल जी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर वकील है। दीपक जी, मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। कल 7 घंटे तक संदीप सिंह से पूछताछ हुई है, क्या इस दौरान रहा और अब क्या टेक आपका? देखिए, ऐसा है जी कि 41A का नोटिस दिया गया था संदीप जी को और 11:30 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था। संदीप जी ही अकेले गए थे जिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने। उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की है एसआईटी ने और उनके जो 2 मोबाइल फ़ोन थे वो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा रख लिए गए हैं जी। तो उन्होंने फुली कोऑपरेट किया एसआईटी के आगे और जो भी उनका वर्जन था विद डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस एसआईटी को सौंप दिया गया है। मैं इसमें समझना ये चाह रहा हूँ कि संदीप सिंह क्योंकि खेल मंत्री है सूबे के, इसलिए कोई नॉर्मल केस ये नहीं रह जाता, एक अलग दृष्टि से इसे हर कोई देख रहा है, वो मीडिया हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज हों। अब जब 7 घंटे तक पूछताछ हुई है तो सवाल इस पर उठ रहे हैं कि 1 हफ्ता क्यों लग गया, उस पर क्या कहेंगे? सर देखो, ये हर केस का प्रोसीजर होता है जी। लॉ ये कहता है कि पहले आपने कंप्लेनेंट का वर्जन लेना है, फिर कंप्लेनेंट की 164 की स्टेटमेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करवानी है, फिर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करना है,
तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा भी ऐसा ही किया गया। जब ये तीनों चीजें कर ली गई, नेक्स्ट डे हमें नोटिस आ गया और हमें जांच के लिए शामिल कर लिया गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, हर केस इसी तरह ही प्रोसीड करता है अंडर दी लॉ। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं सर, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग एज पर लॉ। संदीप सिंह जी के एंगल से एक सवाल जहन में आता है कि कोई शख्स जो खेल मंत्री है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है हॉकी में, कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है, उस छवि धूमिल के लिए क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंट उसमें संदीप सिंह थे और वहां पर उन्होंने कहा भी था कि हम कार्रवाई की तरफ जाएंगे, तो उस बारे में कुछ संदीप सिंह सोच रहे हैं इस वक्त? सर ऐसा है जी कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है। बेहद शुक्रिया सूर्य समाचार से बातचीत के लिए। तो आपने दीपक सब्रवाल को सुना जो संदीप सिंह के वकील है, और उनकी तरफ से कहा गया कि संदीप सिंह 7 घंटे के लिए उनसे पूछताछ हुई है, आगे भी अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो पूछताछ के लिए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर, सूर्य समाचार। महिला कोच के संदीप सिंह पर आरोप लगाने के बाद मंत्री के खिलाफ एक नहीं बल्कि 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 509, धारा 354, धारा 354 ए, 354 बी, 342 और 506 के तहत संदीप के खिलाफ केस दर्ज किया गया। धारा 509 हाल ही में जोड़ी गई। राज की बात यह कि मंत्री के खिलाफ 2 गैर जमानती धाराएं दर्ज है। अब क्या है इन सभी धाराओं का मतलब और किस धारा के तहत अधिकतम कितनी सजा हो सकती है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखें। हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने 1 जनवरी को खेल विभाग छोड़ दिया। संदीप के खिलाफ खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने शिकायत की थी, जिसमें खेल मंत्री पर उसके साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में दर्ज केस में आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। संदीप सिंह के खिलाफ हाल ही में एक नई धारा 509 भी जोड़ी गई है। ऐसा है जी, जो इसमें मेन ऑफेंस है वो 354 बी है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा है। जो 509 है उसमें 1 साल तक की सज़ा है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है जी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कभी भी किसी भी एफआईआर में ऑफेंस डिलीट भी कर सकती है और ऑफेंस ऐड भी कर सकती है। दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। शब्दों या हाव भाव से महिला की मर्यादा का अपमान करना जमानती धारा है। अधिकतम 3 साल की जेल का प्रावधान होता है। धारा 342, किसी को अलग तरीके से कब्जे में रखना जमानती धारा है। अधिकतम 1 साल की जेल का प्रावधान शामिल। धारा 354, किसी के साथ छेड़छाड़ करना गैर जमानती धारा है। 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। धारा 354 ए, किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना धारा 354 ए जमानती धारा है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। धारा 354 बी, कपड़े फाड़ना या कोशिश करना गैर जमानती धारा है। इस धारा के तहत 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। धारा 506, किसी तरह की धमकी देना जमानती धारा है। 2 साल तक की सजा का प्रावधान शामिल है। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के बाद इसकी जांच की जा रही है। संदीप सिंह के खिलाफ 2 धाराएं ऐसी दर्ज हुई हैं जो गैर जमानती है, यानी संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष सरकार पर संदीप सिंह को बचाने का आरोप लगा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सफाई देने का मतलब बचाव करना है तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। और क्या कुछ सूबे के मुखिया ने कहा, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्री संदीप सिंह विवाद पर बड़ा बयान दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगाने या एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। दोषी सिद्ध करने के लिए अगला एक सिस्टम होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है, अच्छी लंबी 7-8 घंटे की इंटरोगेशन हुई, संदीप सिंह को भी बुलाया है, कल 7.5 घंटे की इंटरोगेशन उनकी भी हुई, उन्होंने अपना विषय रख दिया है, उन्होंने अपना विषय रख दिया है। देखा जाए तो अब दोनों की इतनी लंबी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नया फैक्ट उनके सामने आएगा तो दोबारा बुला के पूछेंगे, और नया फैक्ट नहीं आएगा तो उनका एनालिसिस जो होगा वो पब्लिकली बताएंगे, पब्लिकली बताएंगे, नहीं पब्लिकली बताएंगे तो चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में देंगे, तो एक प्रोसेस है ये। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते जांच प्रभावित हो सकती थी, इसलिए उन्होंने खेल विभाग को छोड़ दिया है। मंत्री पद को स्पोर्ट्स के नाते से लोगों को ये कहा उन्होंने, बल्कि लड़की ने भी कहा कि जब तक ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तब तक मैं जो है और कोई बयान नहीं दूंगी। हमने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए, उन्होंने ही कह दिया कि मैं जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहूंगा। लेकिन मिनिस्टर रखना कि नहीं रखना ये उसमें से कहीं नहीं निकलता है। ही इज स्टिल ए मिनिस्टर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री उनके पास है। एक मिनिस्टर होने के बाद कोई प्रभाव का कोई ऐसा विषय नहीं होता, उस डिपार्टमेंट में हो रहता है। मनोहर लाल ने साफ किया कि इस विवाद में उनकी न तो महिला से और न ही मंत्री से बात हुई है। मंत्री जी को मैंने मैसेज जरूर भेजा कि अब आपको अपने डिपार्टमेंट का जाकर काम करना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि महिला कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस पर हुई और इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र के एंगल से भी जांच की जा रही है। मेरी जो जानकारी है, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री ने स्वयं होकर के डीजीपी को एक पत्र लिखा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है और एक इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रेवेंस उस पॉलिटिकल विषय को लेकर के ज्यादा है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र हो सकता है, तो इसकी जांच कराई जाए। अब चूंकि डिपार्टमेंट हरियाणा का है और वो खिलाड़ी कोच हरियाणा सरकार में एम्प्लॉई है, ये मंत्री हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा की है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के उस एसआईटी ने अपनी कोई जांच जरूर की है। मुझे जो पता लगा है कि लोगों को बुला करके उनको पूछा है, रिपोर्ट कोई दी नहीं है, दी होगी तो डीजीपी साहब के पास होगी, हमको उसका पता नहीं है। लेकिन वो भी जांच करना मुझे लगता है कि जिस प्रकार का विषय सारा खड़ा हुआ है वो आवश्यक इसलिए है कि चीज़ें कनेक्टेड हैं हरियाणा से, और जो हरियाणा से कनेक्टेड चीज़ें हैं, क्योंकि पुलिस चंडीगढ़ पुलिस इस जो कंप्लेंट हुई है उससे बाहर जाकर कुछ नहीं करने वाली, लेकिन इसकी अतिरिक्त जो चीजें हैं वो हरियाणा पुलिस करेगी। मुख्यमंत्री ने कोच की पोस्टिंग को लेकर दस्तावेज शेयर करने के सवाल पर कहा कि लड़की का सिलेक्शन होना तय था, लड़की का सिलेक्शन मई में हो गया था और सिलेक्शन परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ, उसको कोटे के तहत नौकरी दी गई है। उनको नौकरी गारंटेड है और गारंटेड नौकरी में कोई भी बता सकता है। मान लो कल को हमारा ये जो चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, और उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ गया है वो, तो उसकी क्लास वन की नौकरी तय है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगेगी नौकरी तो बता ही दिया जाएगा। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर उसको पहले मिले, बाद में मिले, जब मिले मिले, ये गारंटेड है, तो गारंटेड नौकरी में बताने में कोई ब्रिज नहीं है। बता दें कि संदीप सिंह अभी भी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। खैर, संदीप सिंह से खेल विभाग तो वापस ले लिया गया, लेकिन अभी भी विपक्ष संदीप सिंह के इस्तीफे की पुरजोर मांग पर अड़ा है। कुल मिलाकर पूरे मामले में बयानबाजी और राजनीति का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। आरोप तो कोई भी लगा देगा, अब उसको सिद्ध भी तो करना होगा। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है ये मंत्री इस्तीफा दे। संदीप सिंह मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है।
और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक इस्तीफा किस आधार पर दे। मंत्री संदीप सिंह के ऊपर जो है वो छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, मोलेस्टेशन के आरोप जो है वो लगाए गए हैं जूनियर महिला कोच द्वारा, तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? नहीं देखिए, हर चीज़ की इंक्वायरी है, कोई भी है, कोई भी मान लो जी आरोप लगाता है, किसी भी लगते हैं, उसकी जांच तो करेंगे। अब आरोप तो कोई भी लगा देगा, अब उसको सिद्ध भी तो करना होगा ना जी, उसकी इंक्वायरी से पता चलेगा सत्यता कितनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से उसकी इंक्वायरी के लिए कर दी, और जो अगर सत्यता पाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि नैतिकता के आधार पर जो है, मॉरल ग्राउंड्स पर जो है, वो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुचारू रूप से हो बिना किसी पक्षपात के, क्या कहेंगे? देखिए मैं नहीं इस बात को मानता कि भाई कोई भी अगर कोई बात कह दी जाए, मतलब उसकी सत्यता तो आपको देखनी पड़ेगी, अगर उसमें सत्यता है तो तभी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ सत्यता किसमें जरूरत है। संदीप सिंह छेड़छाड़ मामले को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जांच चल रही है, जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। संदीप सिंह के ऊपर जो है वो छेड़छाड़ के आरोप जो है वो लगाए गए हैं, बहुत से विपक्षी दलों जो है वो इसको लेकर जो है वो सरकार पर हमलावर बना हुआ है, साफ तौर पर कहना है कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें, किस तरीके से देखते हैं? देखो अभी जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी निकल के आएगा उसके हिसाब से ही सरकार फैसला लेगी। जिस तरीके से अगर हम जूनियर महिला कोच की बात करें, उनके द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो SIT का गठन किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जो है वो ढीला रवैया जो है वो संदीप सिंह के खिलाफ जो है वो बरतती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो चंडीगढ़ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और हरियाणा की तरफ से SIT भी, तो दो दो एजेंसी काम कर रही है, तो ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि कोई फेवर हो रहा। संदीप सिंह मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का स्टैंड कई दफा आ चुका हमारे को, क्योंकि SIT बनाई है और मैं किसी को निर्दोष या दोषी नहीं ठहरा सकता जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो, मैंने ये कहा था, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है ये मंत्री इस्तीफा दें और फिर निष्पक्ष जाँच हो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ लेडी, और सेटिस्फेक्शन ना हो तो हाईकोर्ट के जज के द्वारा ये जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने संदीप सिंह की ओर से अपना महकमा मुख्यमंत्री को सौंपने को हास्यास्पद बात करार दिया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने का क्या मतलब है? देखिए इसमें कई बातें होती हैं, जहां एक और महिला उत्पीड़न का मामला है वहीं नैतिकता की भी बात है। हालांकि आज कल हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता का की कोई जगह नहीं रही, तो ये कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो खुद मुख्यमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। और निष्पक्ष जांच, जांच से डरने की बात नहीं, निष्पक्ष जांच, दूध का दूध पानी का पानी, जो साफ होगा वो सामने निकल आएगा, अगर सही है तो साथ सकते हैं। लेकिन ये पहली बार और हास्यास्पद बात है कि आप एक, अगर ये सही है तो कि एक डिपार्टमेंट से आप इस्तीफा दे रहे हैं, ये बात है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की जांच के बाद ही अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब तक इसी तरह की राजनीति और बयानबाजी देखने को मिलती रहेगी। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। खेल विभाग की जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों में घिरे पूर्व मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संदीप सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब राजनीतिक दलों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा फोगाट खाप ने महापंचायत बुलाने का फैसला किया है, ये रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह पर कार्रवाई को लेकर जहां राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वही खेलों में अपना भविष्य तलाश कर रहे खिलाड़ी भी मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। रोहतक में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग की और महिला कोच को न्याय दिलाने की बात कही। इन खिलाड़ियों ने जाट कॉलेज से लेकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तक मंत्री संदीप सिंह और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल ही में जिस तरीके से प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक महिला जूनियर कोच के खिलाफ जिस तरीके यौन उत्पीड़न का जो मामला चल रहा है,
उस मामले को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ना तो उसका इस्तीफा लिया गया है और ना अब तक उसको गिरफ्तार किया गया है। और कोई भी खिलाड़ी है वो इससे डिमोटिवेट होता है और आगे वो सरकार के खिलाफ, मतलब अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे किसी भी बच्चे में, किसी भी खिलाड़ी में इतनी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सके। वहीं संदीप सिंह मामले में फोगाट खाप भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकार को दिए अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने पर अब 11 जनवरी को दादरी में सर्व खाप महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है। महापंचायत में पंचायत खापों के अलावा किसान, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों को भी निमंत्रण भेजा गया है। महापंचायत में महिला कोच को न्याय दिलवाने व मंत्री संदीप सिंह पर कार्यवाही को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। महापंचायत से राजनीतिक लोगों को दूर रखा गया है। खाप सारे सामाजिक किसान संगठनों की एक अहम पंचायत बुलाई है और वो पंचायत इसलिए बुलाई है कि भाई जो खेल मंत्री का और कोच साहब का जो मामला चल रहा है उसके बारे में सब भाई बैठ कर विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की जाएगी कल की पंचायत के अंदर। देखो जैसे हमने 5-6 दिन पहले हमारी खाप की भी मीटिंग बुलाई थी पदाधिकारियों की, उसमें भी हमने मांग रखी थी, एक तो भाई जो SIT जो जांच कर रही है इस SIT की जांच की बजाय किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो या कोई रिटायर्ड जजों की कोई कमेटी बनाई जाए उससे जांच करवाई जाए। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ इनेलो महिला विंग ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा सरकार से जल्द मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है, साथ ही हरियाणा सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जो खेल मंत्री संदीप जी हैं उन्होंने एक महिला कोच के साथ जो व्यवहार किया, आज हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि या तो जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि FIR होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो उसे गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मजबूर हो जाए रोडों पे आने के लिए और उसका पुतला फूंकने के लिए। हम पुतला फूंकने का काम करेंगे अगर संदीप को गिरफ्तार नहीं किया गया तो। आज महिलाओं के साथ इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं उसे हम, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। महिलाएं, एक ऐसी महिला हमारे समाज के अंदर, महिला को जो दर्जा दिया जाना चाहिए इस सरकार के अंदर, कहने के नाम पे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, लेकिन दूसरा जो रूप है वो आपके सामने है। अगर एक खिलाड़ी कोच, अगर नर्सरी तैयार करने वाली, खिलाड़ियों का नर्सरी तैयार करने वाली महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है। कुल मिलाकर संदीप सिंह और महिला कोच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में SIT की जांच तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जगह जगह संदीप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज, चरखी दादरी से प्रदीप साहू और सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये अपने आप में देखने वाली बात। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।